हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो अब हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10, साइंस में चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लास्ट टॉपिक तक हमने क्या किया था वो अच्छी तरीके से देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक तक हमने क्या किया था, हमने लेंस फॉर्मूला सीखी थी, उसके अब सम शुरू करने वाले हैं। कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। रेडी? कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस यानी वो कन्वर्जिंग मिरर है या रिफ्लेक्टिंग मिरर, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर है कि नहीं है? कन्वर्जिंग मिरर नहीं है, वो डाइवर्जिंग मिरर है। कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, उसीलिए वो डाइवर्स करेगा, रे है उसे डाइवर्स करेगा, यानी उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज माइनस रहेगी। वो आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर फोकल लेंथ दी गई हुई है, फोकल लेंथ यानी उसे हम एफ बोलेंगे, पर वो नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस वो जो है वो डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए वो माइनस होगा। इमेज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज है, इमेज इमेज वो कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में इमेज हमें ऑलवेज कहाँ मिलती है? लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए इमेज यानी वी, इमेज डिस्टेंस यानी वी, इमेज डिस्टेंस यानी कि वी, वो भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है, वो जो लेंस है उसमें हमें जो इमेज डिस्टेंस है वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड मिलती है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड होने के रीजन से अकॉर्डिंग टू कार्टेजियन सिंक प्रोसेस सभी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड जो भी रहेगी। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द प्लेस यानी ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमें नहीं मालूम है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम यू कहेंगे वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। कहा है ना, फ्रॉम फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, हाउ फार कितना दूर रखा है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को। रेडी? तो अकॉर्डिंग टू अब क्या करना है उसे भी देना है और रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। रेडी? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, यू। हाउ कैन वी फाइंड द यू? हियर लेंस आर प्रेजेंट, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ लेंस फॉर्मूला। चलो, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारी लेंस फॉर्मूला है, ये हमारी लेंस फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जो हमें दिया गया वो है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 1/f की वैल्यू है -15। रेडी? 1/v, v की वैल्यू 1/-10। रेडी? यहाँ माइनस एस इट इज, यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। रेडी? चलो, यहाँ पर 1/u को ही वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसी रीजन से ये कॉन्स्टेंट टर्म है ना, 1/10 है वो कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट टर्म प्रेजेंट है, यानी कि जो सम टेम सेम टर्म होती, सेम जो टर्म सेम होती है उससे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल बनता है। तो इसे उठ कर इस तरफ ले आओ, यानी कि ये वेरिएबल बन, वेरिएबल बन जाएगा ना, इसे उठाकर इस तरफ ले आया तो माइनस थी, ये पूरी टर्म की स्थिति माइनस थी, इधर ले आया तो 1/10 पॉजिटिव हो गई, यानी -1/u एज इट इज। मुझे -1/u नहीं चाहिए, मुझे -1/u नहीं चाहिए, ओनली फॉर 1/u चाहिए, 1/u चाहिए। तो क्या करूँ, ये नेगेटिव साइन इसे दे दूँ, ये नेगेटिव साइन इसे दे दूँ, ये यहाँ नेगेटिव साइन निकाल दूँ। अगर ये नेगेटिव साइन निकाल देनी है तो यहाँ जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है वो नेगेटिव, यानी कि 1/u ओनली चाहिए, नेगेटिव साइन यहाँ से मैंने निकाल दी। तो यहाँ जो नेगेटिव है इज इक्वल टू एज इट इज, यहाँ जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों प्रेजेंट है, न्यूमिनेटर दोनों में डिनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसका क्या निकलेगा, एलसीएम। इसका क्या निकलेगा, एलसीएम। एलसीएम निकालना आपको तो आता ही होगा, एलसीएम निकालना आपको तो आता ही होगा। इसका एलसीएम निकलेगा 30। कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। 50 यहाँ पर, 10 है, दोनों एक टेबल में है, 5 3 जा 50, 5 2 जा 10, 3 और 2, 3 1 जा 3, ये 2 एज इट इज़, क्योंकि 2 के 3 के टेबल में 2 नहीं आता है।
यानी यहाँ पर वन जब तक नहीं आता तब तक ना, वन तो है यहाँ पर, यहाँ जब क्यू का टेबल टू वन जा टू हो गए हैं यहाँ पर दोनों में वन, इट्स ओवर। आई बात सबसे पहले फाइव का टेबल दोनों में आता है, फाइव थ्री जा फिफ्टी, फाइव टू जा टेन, आगे बात समझ में। अब थ्री थ्री वन जा थ्री, पर थ्री के टेबल में टू नहीं आता, टू एज इट इज रखना पड़ेगा। अब वन तो यहाँ पर आ गया तो वन एज इट इज, टू के टेबल में टू आता है, हाँ टू टू जा वन वन, रेडी ओवर, इट्स ओवर डन। ये हो गया एलसीएम, एलसीएम हो गया फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन टू जा थर्टीन, हमारा एलसीएम हो गया थर्टीन, हमारा एलसीएम हो गया थर्टीन। अब हमारा जो एलसीएम है, जो हमारा एलसीएम है वन अपॉन यू इज इक्वल टू थर्टी, थर्टी इसे भी देना पड़ेगा, इसे थर्टी देने जाओगे, चलो इसे थर्टी दिया, डिवाइड में क्या था फिफ्टीन, फिफ्टीन के टेबल में थर्टीन का आया, फिफ्टीन टू जा थर्टीन, फिफ्टीन टू जा थर्टीन, यानी कि यहाँ क्यों बचेगा टू, माइनस एज इट इज, माइनस एज इट इज थर्टीन, थर्टीन यहाँ पर आएगा वन बाई टेन, यहाँ का मल्टीप्लाई कितना था थर्टीन, टेन थ्री जा थर्टीन, रेडी रेडी, वन अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई थर्टीन, टू माइनस थ्री बाई थर्टीन, टू में से थ्री जाएगा यानी माइनस वन बाई थर्टी, माइनस वन बाई थर्टी, आ गई बात समझ में। ये दोनों यहाँ टू बचेगा, यहाँ थ्री कैसे बचता है वो मालूम चला ना, यहाँ थर्टी दिया तो फिफ्टीन टू जा थर्टीन, और यहाँ थर्टीन दिया तो टेन थ्री जा थर्टी, यहाँ टू माइनस एज इट इज थ्री का थ्री, चलो माइनस वन बाई थर्टी बनता है, माइनस वन बाई थर्टी बनता है, पर हमें ओनली फॉर यू चाहिए, क्या चाहिए यू, इधर आए यू, यदि थर्टी भी ऊपर चला जाएगा पर नेगेटिव साइन है इसलिए यू इज इक्वल टू माइनस थर्टी। यू क्यों माइनस मिला, क्योंकि आपको मालूम है ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्टे इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर अदरवाइज लेंस, ऑब्जेक्ट है लेंस और मिरर में लेफ्ट हैंड साइड ही पॉसिबल है, राइट हैंड साइड कभी पॉसिबल नहीं है, यानी यू मिला हमें माइनस थर्टी, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ऑब्जेक्ट इज थर्टी सेंटीमीटर फार टू द लेंस, ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर दूर है, किस से लेंस से। तो चलो अब हम क्या करेंगे, हमें रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, हमें रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो रे डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ कर लेते हैं हम, रेडी चलो रे डायग्राम अच्छी तरीके से देख लो आप पहले। अब हमें क्या दिया गया उस पर से रे डायग्राम, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस, रेडी ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ हमारा आएगा क्या आएगा एफ वन, यहाँ आएगा सी वन, यहाँ आएगा एफ टू, और यहाँ होगा सी टू, रेडी चलो 30 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द लेंस, चलो अब फोकल लेंथ कितनी देगी 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से मेजरमेंट करें तो हमें यहाँ से, चलो यहाँ पर फोकल लेंथ को मैं थोड़े यहाँ लिख लेता हूँ, फोकल लेंथ यानी यहाँ पर एफ वन, यहाँ पर सी वन, सी वन, रेडी चलो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी थी 15 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पर है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, चलो इमेज डिस्टेंस वी कितना मिला 10 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहाँ से मिलेगी, जो लेफ्ट इमेज कैसी है नेगेटिव, यानी इमेज लेफ्ट हैंड साइड ही होगी, पर कितने सेंटीमीटर पर है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ इन दोनों का डिस्टेंस 15 है, तो यानी इमेज इन दोनों के कहीं बीच में होगी ना, इमेज इन दोनों के कहीं बीच में होगी ना, जो मैंने लास्ट में जो इमेज फॉर्मेशन दी थी उसी के अकॉर्डिंग मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो ऑब्जेक्ट हमें क्या मिला 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट क्या मिला 30, यानी ये डबल है, इसका डबल यानी हमारी हो गई सी, इसका डबल, एफ का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, टू एफ यानी आर होता था ना, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, आई बात समझ में। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, हो गई बात, आई बात समझ में, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देख लो अच्छी तरीके से, अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स एक रे कैसी जाएगी, सीधी जाएगी, ये डाइवर्जिंग मिरर है, इसलिए यहाँ से जाने से ये कैसा होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, रेडी ये डाइवर्ज होगा, पर यहाँ पीछे कोई मिलने की
पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से देखोगे तो ये रे है वो किस में से आती हुई दिखेगी आपको, फोकस एस में से, सॉरी फोकस एस में से यहाँ से निकलती हुई ऐसा आपको लगेगा, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। पर ये तो हमें सिर्फ विजुअलाइज करते हैं हम लोग। रेडी, चलो अब एक रे है वो सीधी जाएगी इन द सेंटर ऑफ द लेंस, सेंटर ऑफ से लेंस में से जाएगी एक रे, अकॉर्डिंग टू जो अगर ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है ये रे, अगर ऑप्टिकल सेंटर यानी कि बीच में से जाती है तो वो डाइवर्जिंग भी नहीं होगी और कन्वर्जिंग भी नहीं होगी, और रे उसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, यानी कि ये दोनों रे कंबाइन कहाँ पर होती है, इस पॉइंट पर, यानी कि इमेज यहाँ पर क्रिएट होगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आगे बात समझिए, ये हो गया हमारा रे डायग्राम, ये हो गया हमारा रे डायग्राम। तो ये अच्छी तरीके से देख लो, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो पॉज करके एक और बार देख सकते हो। रेडी, चलो। हेलो स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट सम जो है अन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट दिया गया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आपको तो पहले ही मालूम है ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्टे इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। रेडी, ऑब्जेक्ट दिया गया हुआ है अन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ दी गई है। ऑब्जेक्ट लेंथ यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट लेंथ यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट ऑब्जेक्ट हाइट कौन क्या बोलेंगे h, यानी 5 सेंटीमीटर रहेगी, 5 सेंटीमीटर रहे दी गई हुई है इन लेंथ, इज हेड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। What head are 20 centimeter away? Your 20 centimeter away है from the converging lens. Converging lens दिया गया हुआ है away, यानी object height है, object distance है, ये आपका textbook में दिया गया हुआ है सम। object distance यानी 25 centimeter, ये आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है कि object है वो always stay left hand side on the mirror, यानी कि Cartesian sink process के हिसाब से वो minus रहेगा क्योंकि left hand side पर है। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ या पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव वो आपको देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होगी। क्यों? ये कन्वर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर होता, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस है, अगर डाइवर्जिंग लेंस होता तो ये माइनस आती, पर ये कन्वर्जिंग है यानी कि 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहेगी। ड्रो द डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, यहाँ इमेज की नेचर फाइंड करना है, वो कैसा है, कहाँ पर मिलता है इमेज, वो सबसे पहले यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। इमेज डिस्टेंस यानी उसे हम वी बोलेंगे, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, और एक और बात हमें फाइंड करनी पड़ेगी, क्या फाइंड करनी है, इमेज डिस्टेंस तो हमें मिल गया और इमेज हाइट भी हमें क्या चाहिए, इमेज हाइट यानी एच डैश, तो ही हमें पता चलेगा ना इमेज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। रेडी, तो एच डैश भी हमें चाहिए, तो सबसे पहले इमेज हाइट ढूंढने से पहले हमें ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, पर यहाँ पर लेंस है तो लेंस की फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। लेंस फॉर्मूला f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला है। मिरर से थोड़ी उल्टी है, मिरर में यहाँ प्लस आता था, लेंस में यहाँ पर माइनस है। रेडी, 1/f जिसकी वैल्यू दी गई उसे सब्स्टिट्यूट करना है, 1/10 दी गई हुई है, 1/v यानी v है हमारे पास वो तो हमें ढूंढना है, u हमें दिया गया हुआ है माइनस ट्वेंटी फाइव, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, आई बात समझ में, ये भी माइनस है और ये भी, ये माइनस और ये माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई बात समझ में। रेडी, चलो अब क्या करना है, 1/v को हमें चाहिए ना, तो इससे 1/v ही चाहिए, तो इसको मैं इस तरफ ले आऊँ यानी कि 1/v वेरिएबल बन जाएगा। रेडी, आई बात समझ में, 1/25 इस तरफ ले आया तो -1/25 पॉजिटिव था, इस तरफ आ गया तो नेगेटिव, तो 1/v एज इट इज। चलो रेडी, इन दोनों का आप क्या करना है, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकलेगा तो कितना निकलेगा वो जानना भी जरूरी रहेगा। यहाँ 25 है, यहाँ पर 10 है, दोनों एक टेबल में आते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, आगे ही बात समझ में, 5 5 ज़ा 25,
5 2 10। अब 5 टेबल में आता है, 5 1 5 आई बात समझ में, और 2 एज इट इज रखना पड़ेगा क्योंकि 5 के टेबल में 2 नहीं आता है। तो 2 1 1 तो एज इट इज था, 2 1 2 हो गया, 5 5 20 5 2 50, यानी इसका एलसीएम निकलेगा 5 0 50। चलो इसका एलसीएम कितना निकला, एलसीएम लेना तो आपको आपको आता ही, 1/YV = LCM निकला 50। तो 50 इसे भी देना पड़ेगा, 50 दे दिया उसके डिवाइड में 10 था, 10 5 50, यहाँ पर भी 50 देना पड़ेगा पर इसके डिवाइड में 25 था, रेडी। तो 25 2 आ गई बात समझ में, तो यहाँ पर हो गया 1/V = यहाँ पर 5 - 2/50, 5 में से 2 चला जाएगा तो अगर बचेगा 3/50। आई बात समझ में, 3/50 पर वन, अपने 1/V नहीं चाहिए, ओनली फॉर वी चाहिए। तो वी को वेरिएबल बनाओ, ऑपोजिट नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा क्योंकि वी को हमने ऊपर ले जाना, तो ये भी ऊपर जाएगा 15/3। 50 / 3 करो ये 16.6 अप्रोक्सीमेट आपका आंसर रहेगा, 16.6 ये आपका अप्रोक्सीमेट आपको आंसर आएगा, V = 16.67 cm। ये आपकी इमेज डिस्टेंस हो गया, ये आपका हो गया इमेज डिस्टेंस वी। चलो आपको इमेज डिस्टेंस तो मिल गया, पर हमें क्या चाहिए था, इमेज हाइट भी चाहिए थी। तो इमेज हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास मैग्नीफिकेशन जाना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस वो क्या है हमारे पास, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस m = h height, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट = V/U, यह था ना हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय सॉरी मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। तो अकॉर्डिंग टू ये हमारी फॉर्मूला हो जाएगी, h = V/U। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, h डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको वेरिएबल बनाना पहले तो वो समझ लो, क्या चाहिए हमें, h डैश चाहिए, यानी कि h डैश को वेरिएबल बनाओ तो h डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो h डैश = क्या हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टी V - H / U। हो गई बात समझ में, चलो h डैश हमारे पास क्या है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, वी क्या मिला हमें 16.6, h क्या मिल रहा है हमें, h मिल रहा था 5 cm, और u हमारे पास क्या था, u हमारे पास है -25 cm, रेडी। 5 5 = 25, यानी h = 16.6 / -5, यानी ये -5। चलो 16.6 / 5 करो, 16.6 / 5 करो तो अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा आंसर -3.3। h = मिलेगा आंसर -3.3। क्यों माइनस मिला, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, आगे बात समझ में, यानी इमेज हाइट हमें क्या मिली, -3.3, इमेज की हाइट हमें मिली -3.3। आगे बात समझ में नहीं आई है तो एक और बार वीडियो पोस्ट करके आप और अच्छे तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। चलो इमेज हाइट भी मिल गई हमें, अब हमें क्या करना है, रे डायग्राम ढूंढना है, यहाँ क्या करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, मुझे इसे निकाल देना पड़ेगा, रेडी। इस तरफ का मैं निकाल देता हूँ, एच डैश हमें मिल गया -3.3, रेडी, हमें वी भी मिल गया, ये रहा, रेडी। चलो ये इस निकाल देता हूँ, यानी कि रे डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ मैं अच्छी तरीके से, यानी कि आपको समझ में आ जाए। चलो रे डायग्राम कौन सा होगा, पहले तो ये कन्वर्जिंग मिरर था, यानी कि ये होगा कॉन्वेक्स मिरर लेंस, कन्वर्जिंग लेंस था, यानी कॉन्वेक्स लेंस होगा। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इससे हम बोलेंगे F1, ये हो गया हमारा C1, यहाँ हो गया F2, ये हो गया हमारा C2, रेडी, ये कंप्लीट। चलो सबसे पहले आपको मैं बोल रहा हूँ, आपके पास डेटा है, क्या डेटा है हमारे पास, हाँ यहाँ पर देखो हमें क्या रहता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था हमारे पास 25 cm, यानी ऑब्जेक्ट है हमारा 25 cm अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, 10 cm है, फोकल लेंथ हमारे पास क्या है 10 cm, यानी ये रहा 10 cm। आई बात समझ में। चलो इमेज कहाँ मिला था हमें, 16.67, और हमारा ऑब्जेक्ट है 25 cm पर, कितना है, ऑब्जेक्ट है हमारा 25 cm पर,
यानी फोकल लेंथ का डबल करो तो ये कैसा हो जाएगा, सी मिलेगा ना, फोकल लेंथ डबल होगी तो भी ये सी मिलेगा, पर 25 है यानी कि सी से थोड़े दूर रहेगा, तो 25 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट्स, आई बात समझ में, ये 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अब क्या है, कंप्लीट हो गई बात समझ में, अब क्या है देख लो, अब हमारा इमेज यहाँ पर है, सॉरी ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, और ये लेंस थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा, कंप्लीट आई बात समझ में। चलो अब क्या होगा, अब क्या होगा आपको देखना है, एक रे है वो सीधी जाएगी रेडी, पर ये कन्वर्जिंग मिरर है यानी कि इसका लेंथ का क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होने के रीजन से ये इसमें से फोकस में से जाता हुआ आपको दिखाई देगा, और एक रे है वो क्या जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और ये भी अब ये यहाँ पर कंबाइन होता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पर कोई कंबाइन होता हुआ दिखेगा, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी, यहाँ जो इमेज हाइट है वो यहाँ क्रिएट होगी, देख लो इमेज हाइट है वो नीचे है यानी कि उल्टा मिल रहा है, इसलिए हमें एच कैसा मिला था, नेगेटिव मिला था, यहाँ पर नीचे है यानी कार्टेजियन स्विंग प्रोसेस के हिसाब से ऊपर पॉजिटिव आता है नीचे नेगेटिव आता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव राइट हैंड साइड पॉजिटिव, यानी कि इमेज नीचे मिल रही है इसीलिए हमें एच डैश से वो नीचे मिल रहा है, ये बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो रेडी हो गई बात, इसमें कोई डाउट, रेडी ये हो गए हमारे इमेज फॉर्मेशन, और हमें तो मैं आपको मालूम है इमेज डिस्टेंस, इमेज हमें क्या मिला 16.67 सेंटीमीटर मिला था, रेडी ये हो गए हमारे इमेज फॉर्मेटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये है ए डैश बी डैश, जो हमें इमेज हाइट मिलती है, ये हमारी ऑब्जेक्ट हाइट है, रेडी ये हो गया रे डायग्राम। अब क्या करना है हमें, नेचर साइज सभी ढूंढना है, नेचर है ये सीधा है तो ये मिलेगा उल्टा, और ये रियलिटी में कहीं कंबाइन हो रही है, इसलिए यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, यानी ये रियल है इन्वर्टेड है यानी उल्टा भी है, रेडी सीधा नहीं है, सीधा होता तो इरेक्ट होता, इन्वर्टेड यानी उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड यानी ये उल्टा मिलेगा, रियल है यहाँ पर रे कंबाइन होती हुई रियल में कंबाइन हो रही है यानी जॉइंट हो रही है इसीलिए, रेडी। अब इमेज हाइट है वो -3.3 है, ऑब्जेक्ट हाइट कैसी थी 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट थी 5 सेंटीमीटर, स्मॉल साइज तो स्मॉल एस बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा सा स्मॉल रहेगा, रेडी आई बात समझ में, इमेज साइज मिल गया, नेचर मिल गई, डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, पोजीशन क्या मिली वो बिटवीन एफ टू एंड सी टू, इमेज पोजीशन बिटवीन एफ टू एंड सी टू, ये हो गया हमारा पूरा सम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है एग्जाम में, 3 मार्क में पूछे जाने वाला मोस्ट आईएमपी सम है, इसलिए मैंने अच्छी तरीके से करवाया, आप और भी नहीं समझ में आया तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, रेडी चलो।